أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته मेरे को बहुत खुशी हो रही कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और करम है क्योंकि आपका केस काफी हम लोग की टीम के लिए काफी अहम था और जिस तरीके से सबने हम लोग जब डायग्नोसिस करे आपका तो ये मालूम हुआ कि काफी इवन सूरह फातिहा भी जैसा मैं रिकॉल करता हूँ सूरह फातिहा भी पढ़ता हूँ तो आपको हाथ और पैर में चुभन जैसे हो रही थी और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क क्योंकि हेल्थ वाइज भी आप बेड रिडन थे सुभान अल्लाह। तो हम लोग की टीम के लिए काफी बहुत कंसर्न था आपके केस को लेके क्योंकि इट वाज वेरी सीरियस केस और कैल्सप ने जिस तरीके से आपका हेल्थ कंडीशन था तो दोनों को भी ले लेके हम लोग बहुत कंसर्न थे और सुभान अल्लाह द जर्नी हैज बीन वेरी क्विक। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है आपके केस में खासतौर पर क्योंकि यूजुअली जब हम देखते हैं कि लोग जब बेड रिडन रहते तो काफी टाइम लग जाता है रिकवरी के अंदर बस सुभान अल्लाह अल्लाह का करम इतना हुआ कि 5 सेशंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे कल अपने ऐन और हसद और जादू के इलाके के मसले से निकल सके अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा आप रिलेट करिए कि आप क्या फेस कर रहे थे रुखिया स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपके प्रॉब्लम थे और किस तरीके से आपको प्रॉब्लम डेली आपको जो कैसे अपने बेड रिडन होने के तौर पे क्या फीलिंग आ रही थी जब आप कुरान पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस टाइम में मैं इतनी सेंसेस में नहीं थी अपनी कि मुझे कुछ भी याद रहता या कुछ भी मुझे बस उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में थी खास तौर पे मुझे सेशन से पहले तो मुझे सिर्फ तकबीरें सुनना अच्छी लगती थी और कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर जब सेशन स्टार्ट हुआ आप जब भी पढ़ते थे मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी बस बार बार ऐसा होता था कि बंद कर दो बस अब नहीं सुनना है चुभन होती थी बेचैनी होती थी कि बस अब बस बंद कर दो अब नहीं सुनना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली स्लोली वो चीज को मैंने रिकवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन में भी मैं बहुत मतलब कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ऑल गुड। आपके वालिद भी बहुत काफी कंसर्न थे किस तरीके से आपको कन्वे करें कि ये रूहानी बीमारी का प्रॉब्लम है बोलकर कि आपको कन्वे कैसा करें और क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर जादू है तो बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग समझते हैं हम लोग तो क्या सबने व्हाट वाज योर फीलिंग आपको क्या महसूस हो रहा था जब आपको आपके वालिद साहब कन्वे करें एक तरीके से। डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया है मुझे कुछ भी नहीं पता डिटेल में ऑल आई जस्ट नो कि बस एक फेस था जो बुरा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर गया है तो अब उसके बारे में सोचना नहीं है दैट्स ऑल आई नो। याद नहीं करते हैं और इनको भी नहीं बताते हैं सब चीजें याद आई रियली डोंट नो एनीथिंग कि क्या क्या था एक्चुअली। सुभान अल्लाह तो बेसिकली ये सवाल रहेगा मेरे को कि यूजुअली क्योंकि इस फेज से निकलना बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है तो आपको ऑनलाइन रुकिया की सर्विस किस तरीके से दिखी। एक्चुअली बहुत प्रोफेशनल है ऐसा मतलब एक होता है कि आप इन मीटिंग बैठ के कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कर रहे हैं बहुत डिफरेंस था ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो था लेकिन बहुत प्रोफेशनली किया था बहुत अच्छा था बहुत सेटिस्फाइड थे और बिल्कुल भी मतलब इतना कोई डिफरेंस फील हुआ नहीं बस एक यही था कि हाँ ऑनलाइन है सब कुछ लेकिन इतना कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था जैसे मीटिंग में बैठ के होता है फेस टू फेस होता है वी वर वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ट्रीटमेंट प्लान्स कैसे दिखे जो कल सपने क्योंकि आपकी वो हालत में ट्रीटमेंट भी लेना बहुत बड़ा चैलेंज है तो हाउ डिड यू फील गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। एक्चुअली वो मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे हर चीज में पुश करना कि ये करना है ये करना है ये ट्रीटमेंट करना है ये रुकिया का सेशन करना है मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं होती थी मुझे जहां तक मुझे याद है मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक्चुअली आई हैव अ वेरी रेयर मेमोरी ऑफ इट बिकॉज मुझे इतनी चीजें याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या था क्या हुआ था क्योंकि वो एक सेंस इट्स लाइक सेंस ऑफ डर टू इट के बहुत
ब्लरी ब्लरी सी विजन्स है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट नो के बस हो गया रिकवर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। बस एक लास्ट क्वेश्चन और वो रहेगा कि जो भी ये प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, सजेशन या आप क्या बोल सकते हैं उन लोगों जो ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट बी पेशेंट विद इट। आपको बहुत सब्र से रहना है आपकी हर चीज के लिए, चाहे वो आपके रुकिया सेशंस हो, चाहे वो आपकी ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, आपको बहुत सब्र से हर चीज को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज वही एक तरीका है और वही एक आपके लिए सोल्यूशन है कि आप सब्र से हर चीज को फेस करें। बारकल्ला फिक, जज़ाकल्ला खैर सिस्टर आपके फीडबैक का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको हर शर से हिफाजत करे और अल्लाह सुब्हान तआला आपको कंप्लीट रिकवरी अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।